काशिफ अपनी सूती ने माँ के जुल्म और सत्ता और डांट जब उसे तंग आ गया था, उसने एक बड़ा फैसला किया और रात होने का इंतजार करने लगा। आखिर शाम ढल गई और रात के अंधेरे ने सब चीजों को अपनी लपेट में ले लिया। काशिफ ने घर को हसरत भरी नगाहों से देखा और अपने जमा शुदा रुपये जीप में डाले और घर से निकल गया। उसके कदम खुद बखुद स्टेशन की तरफ पड़ने लगे। वो कराची जाना चाहता था। उसने स्टेशन पहुंचकर कराची का टिकट लिया। थोड़ी देर बाद रेलगाड़ी आ गई तो वो उसमें बैठ गया। जिस सीट पर वो बैठा था उसके बराबर वाली सीट पर एक बुजुर्ग बैठे थे। काशिफ चूंकि अभी 11 साल का था, इसलिए बुजुर्ग हैरान हुए कि ये छोटा सा बच्चा अकेला कहाँ जाना चाहता है। उन्होंने काशिफ से पूछा कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। काशिफ के साथ कभी किसी ने इतनी नरमी से बात नहीं की थी। काशिफ ने जवाब दिया कि मैं कराची जाना चाहता हूँ। लेकिन कराची किसके पास जा रहे हो? काशिफ ने जवाब दिया कि मामू के पास जा रहा हूँ। काशिफ ने झूठ बोला लेकिन वो घबरा गया था। बुजुर्ग काशिफ की घबराहट से जान गए थे कि ये लड़का झूठ बोल रहा है। बेटा तो मुझे अपनी परेशानी बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। ये सुनते ही काशिफ का दिल न जाने क्यों सब कुछ बताने को चाहा और उसने सब कुछ शुरू से आखिर तक बता दिया। काशिफ की बात खत्म होने पर बुजुर्ग बोले कि लेकिन बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम मेरी बात मानो और अगले स्टेशन पर उतर जाओ और किसी दूसरी रेलगाड़ी से वापस लाहौर चले जाओ। फिर तुम्हारे घर वाले तुम्हारे ऊपर जितनी भी सख्तियाँ करें तुम उनके साथ हसन सलूक से पेश आओ और मेहनत करना। अगर तुमने मेरी नसीहत पर अमल किया तो तुम एक दिन बड़े आदमी बन जाओगे और अगर तुम घर वापस ना गए तो तुम गलत लोगों के हदे चढ़ जाओगे और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। काशिफ ने बुजुर्ग की बातें गौर से सुनी और फिर घर जाने का फैसला कर लिया। अगले स्टेशन पर वो उतर गया और लाहौर वापस अपने घर पहुँच गया। उसने अपने घर में कदम रखा तो इसे एक खुशी सी महसूस हुई और फिर वो अपने कमरे में आकर सो गया। सुबह हुई तो उसने बड़ी मेहनत से अपना काम करना शुरू कर दिया। अगर इसे मार पड़ती तो खुशी से सह लेता था। वो एक मामूली स्कूल में पढ़ता और स्कूल से आकर अखबार और रिसाले फरवख्त करता। उस तरह पढ़ते पढ़ते उसने डॉक्टरी का इम्तिहान पास कर लिया और डॉक्टर बन गया। बुजुर्ग की बात सच साबित हो चुकी थी, वो एक बड़ा आदमी बन चुका था। अब हर कोई उसकी इज्जत करता था। प्यारे दोस्तों, इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।